गाइज मैं ऑन अकेडमी प्लस पे लाइव पढ़ाता हूँ, ये रहा मेरा रेफरल कोड राज फिजिक्स, जिसको आप यूज़ करके 10% का टोटल डिस्काउंट पा सकते हैं। ओके चलिए गाइज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। गाइज मेरा नाम पुष्पराज राय है और मैं ऑन अकेडमी प्लस पे लाइव पढ़ाता हूँ। गाइज आज की इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनसे रिलेटेड फॉर्मूलाज और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताऊंगा, जो कि आप सभी को स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। ओके तो चलिए गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने हमें ऑन अकेडमी पे फॉलो नहीं किया तो जाइए जल्दी से फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए आपके फिजिक्स वीडियो से रिलेटेड। ओके चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है गाइस हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है गाइस। ओके तो सपोज कीजिए कोई भी हमारा सिस्टम है गाइस, ठीक है, वहां पे जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, कितना डिस्टेंस पे वो रह रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर सिस्टम में जैसे हमारे पार्टिकल रहते हैं उसी को हम गाइस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। उसको हम इस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं गाइस, N2/N1 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2/KBT। आपको पता है गाइस N2/N1 का मतलब क्या है, जो नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स हैं। ओके यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन 2 ये गाइस एनर्जी है, ठीक है ना, ये हमारे एनर्जी स्टेट 2 है, एनर्जी स्टेट फर्स्ट है। KB हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है गाइस और T हमारा टेम्परेचर हो गया। तो आपको जब ऐसे टाइप में पूछ दिया जाएगा कि आपको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, और ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है गाइस, ये हमारे MB स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग होगा। ओके इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, उसमें हमारे पास जो भी अगर एप्सिलॉन 1 या फिर एनर्जी लेवल्स आपको गिवन होंगे और टेम्परेचर आपको पता होगा, तो आप किसी भी पार्टिकल को बता सकते हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उस पर्टिकुलर सिस्टम में। नेक्स्ट है हमारा गाइस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर 2 टाइप ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। ओके तो हमारे पास कोई भी सिस्टम है, सपोज कीजिए वहां पे अगर आपको किसी भी सिस्टम में 2 टाइप के एटम्स गिवेन होंगे। ओके सपोज कीजिए पहला टाइप हमारा ए है और दूसरा टाइप हमारा बी है। ओके तो इस टाइप को जो ए टाइप का एटम उसको मैं एन ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो बी टाइप का एटम है गाइस वो एन बी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ऐसे टाइप के जब एटम्स को गाइस अब प्रोबेबिलिटी जब बतानी होती है, रिक्वायर्ड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके ओमेगा इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी फैक्टोरियल अपॉन एन ए फैक्टोरियल इंटू एन बी फैक्टोरियल, क्लियर है। देन हमारा थर्ड फॉर्मूला है गाइस कॉन्फिगरेशनल एंट्रोपी। ओके तो आपको पता है गाइस कॉन्फिगरेशनल एंट्रोपी का मतलब क्या है, सपोज कीजिए आपके पास बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है ना, एक तरह से वो लैटिस में अरेंज किए जाते हैं। आपको भी पता है लैटिस का मतलब क्या होता है, हर एक एटम को एक पर्टिकुलरली अरेंज मैनर में रखा जाता है, ठीक है, जिससे को उसको पर्टिकुलरली अरेंज कर सके एक अच्छे तरीके से। तो वहां पे हमारा कॉन्फिगरेशन फॉर्म हो जाता है गाइस। तो उस अगर कॉन्फिगरेशन की अगर हम एंट्रोपी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसी को हम कॉन्फिगरेशनल एंट्रोपी बोलते हैं। यहाँ पे गाइस है हमारा कॉन्फिगरेशनल एंट्रोपी इज इक्वल टू SCF, इसको हम SCF से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे याद रखना है किसी भी कॉन्फिगरेशन की आप अगर एंट्रोपी फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम कॉन्फिगरेशनल एंट्रोपी बोलते हैं, क्लियर। उसके बाद SCF इज इक्वल टू KB ln NA प्लस NB फैक्टोरियल अपॉन NA फैक्टोरियल डॉट NB फैक्टोरियल। यहाँ पे भी ये भी ध्यान दे रहा है कि आपके पास जो पार्टिकल्स हैं, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं कैसे हैं, ये तो मैंने 2 टाइप्स के लिए नहीं, तो आप इसको अकॉर्डिंग देख सकते हो। अगर आपके पास एक ही टाइप के एटम्स होंगे तो आप NA प्लस NA करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि एक जनरल फॉर्मूला था जो कि मैंने बता दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन कई कई तरीके से घुमाया जा सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग पार्टिकल्स को देख लीजिएगा, क्लियर। उसके बाद है गाइस हमारा टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ओके हमारे पास गाइस एनर्जी गिवन होगा। ओके उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स अगर गिवन है तो आपको पूछ दिया जाएगा गाइस कि आपका उस सिस्टम का टेम्परेचर कितना होगा। ओके क्लियर है। तो टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 अपॉन KB ln N1 अपॉन N2, ठीक है। तो याद है ना गाइस N1 क्या है, N2 क्या है, हमारा जो नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, क्लियर है। उसके बाद एप्सिलॉन 1 एनर्जी स्टेट 1, एनर्जी लेवल 1 और एनर्जी लेवल 2 अपॉन बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, क्लियर है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। अभी और भी कुछ फॉर्मूलाज जो कि हम देखते हैं, ये रह गए हमारे कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ये हमारा ओमेगा MB, ओमेगा FD, ओमेगा BE। इन सब तीनों जो हमारे स्टैटिस्टिक्स है इसमें एक चीज़ याद रखनी है, जो हमारे MB होता है इसमें हमारे आइडेंटिकल बट
डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होते हैं, ठीक है, और इन दोनों में आइडेंटिकल होते हुए भी इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये देख लेना है गाइस कि हमें अगर रिक्वायर्ड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, अगर आपके पास एन, अगर हम एमबी में बात कर रहे हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमान में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होंगे, ठीक है ना, याद रखना है। और यहीं पे अगर इसका बात करें हम एफ डी का, तो यहाँ पे जो हमारे एन होंगे, एन आई जो भी हम लेके चलेंगे, यहाँ पे इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन को करते हैं और मैं कर भी रहा हूँ ऐसे एक्चुअली, ठीक है ना। प्रैक्टिस कोर्स हमारा चल रहा है, अनअकैडमी पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए फॉलो कर लीजिए, लाइव क्लासेस अटेंड कीजिए, ओके। उसके बाद है गाइस हमारा बीई से रिलेटेड सेम टू सेम फॉर्मूला है, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपका फैक्टोरियल कब होगा, एन आई प्लस जी आई माइनस वन कब होगा। इसमें ये थोड़ा सा सेम ये है कि इसमें इनडिस्टिंग्विशेबल इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, आपको पता है ना, ये जो एफ डी और बी ई होते हैं ये दोनों क्वांटम स्टैटिस्टिक्स होते हैं, लेकिन और मैक्सवेल बोल्ट्जमान जो होता है वो हमारा क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स होता है, ओके। और जो लास्ट फॉर्मूला है गाइस हमारा नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स, ओके, तो इसको हम ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू से रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल इन ब्रैकेट पी डेल वी अपॉन के बी टी, यहाँ पे पी हमारा प्रेशर, डेल वी हमारा जो चेंज इन वॉल्यूम है गाइस, उसके बाद के वी हमारा बोल्ट्जमान कॉन्स्टेंट, टी हमारा टेम्परेचर, और ये हमारा नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स हो गए गाइस, ओके। आई होप आपको ये जो 8 मैंने फॉर्मूलाज बताए, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, टेक केयर, बाय, आपसे नई वीडियो मिलते हैं फिर।